1216 में आज के दिन फ्रांस के प्रिंस लुइस ने इंग्लैंड में प्रवेश किया। 1502 में आज के दिन पुर्तगाल के जोआओ दा नोवा ने दक्षिण अटलांटिक महासागर में सेंट हेलेना द्वीप की खोज की। 1688 में आज के दिन ब्रिटेन कवि अलेक्जेंडर पॉप का जन्म हुआ। 1790 में आज के दिन पेरिस को 48 क्षेत्रों में विभाजित किया गया। 1819 में आज के दिन अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर की सड़कों पर पहली बार साइकिल देखी गई, जिसे स्विफ्ट वॉकर कहा जाता था। 1851 में आज के दिन दक्षिण अमेरिका के कोलंबिया में गुलामी प्रथा समाप्त हुई। 1904 में आज के दिन पेरिस में फुटबॉल की सर्वोच्च संस्था अंतर्राष्ट्रीय महासंघ यानी फीफा की स्थापना हुई। 1918 में आज के दिन अमेरिकी प्रतिनिधि सभा ने महिलाओं को मतदान की अनुमति दी। 1960 में आज के दिन भारतीय अभिनेता मोहनलाल विश्वनाथन नायर का जन्म हुआ था। 1970 में आज के दिन यूएसएसआर ने न्यूक्लियर टेस्ट किया। 1971 में आज के दिन मशहूर निदेशक स्क्रिप्ट लेखक आदित्य चोपड़ा का जन्म हुआ था। 1991 में आज के दिन तमिलनाडु के श्री पेरम्बदूर में आत्मघाती बम हमले में भारत के पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की हत्या हुई। 1994 में आज के दिन सुष्मिता सेन 43वें मिस यूनिवर्स के पुरस्कार से नवाजी गयी। 2003 में आज के दिन विश्व के 190 से अधिक देशों ने तंबाकू के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय संधि को जिनेवा में मंजूरी दी।